श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आलभ्य वेलकम अवर यूट्यूब चैनल के आशाओ क्लास। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी समरी करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक का नेम है द कलर ऑफ पर्पल, और इसे लिखा किसने थे, एलिस वॉकर ने लिखा है। इसे कब लिखा था, 1981 में एंड 1982 में न्यूयॉर्क में। और इसे पब्लिश कब किया गया था, तो 1982 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। द कलर ऑफ पर्पल ऐसे नाम क्यों रखा गया, द कलर ऑफ पर्पल नेम रखने का कारण है सिली, जो कि मेन कैरेक्टर है। सो पर्पल कलर बहुत ही पसंद है, चाहे कपड़े हो, शूज हो, ज्वेलरी हो, वो पर्पल कलर को ही अधिकतर चूज करती थी या फिर यूज करती थी अपने डेली लाइफ में, है ना, पसंद करती थी पहनना। इसीलिए द कलर ऑफ पर्पल रखा गया है। इसमें काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, हम लोग हिंदी समझ करते हैं, बाकी धीरे धीरे से आपको सारा समझ में आ जाएगा। इसका स्टार्टिंग कहाँ होता है, तो इसका स्टार्टिंग होता है जो शीलिया है, उसकी जो मम्मी है वो बीमारी की वजह से बहुत ही बूढ़ी दिखाई देती है और हमेशा बेड पे रहती है। उसका कोई भरोसा नहीं कि वो कितने दिन तक जीवित रहेगी, ठीक है। सिली और नेटी दो बहन हैं, इनके पिताजी हैं जो कि सौतेले पिता हैं, और इनके पिताजी को इसमें कहा गया है पा, ठीक है, जो कि बहुत ही खराब पर्सन है, बहुत ज्यादा ही खराब पर्सन है। क्योंकि जो पा है ना, वो अपनी ही बेटी सिली का रेप करता है, और मात्र भी सिली 14 साल की है, और 14 साल की उसको बार बार रेप करता है। इस वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी और उसका 2 बेटा भी है। लेकिन दोनों बेटा जैसे ही उसका जन्म हुआ, तो उनके जो पिताजी है ना पा, उसने क्या किया, दूसरे को उसको दे दिया है। सिली ने उसका चेहरा भी नहीं देखा। सिली को हमेशा इस बात का डर रहता है कि जो नेटी है उसके साथ भी ऐसा गलत काम ना हो। तब ये जो मिस्टर, एक अगला कैरेक्टर आता है, कैरेक्टर है मिस्टर डेजेस। इसका नाम नहीं बताया गया कि इसके नाम के, बस मिस्टर के नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। तो जो मिस्टर डेजेस है ना, वो नेटी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, ठीक है, उसे पसंद करता है। लेकिन खास बात तो ये है कि जो मिस्टर डेजेस है वो नेटी से शादी नहीं करता। सिली कहती है तुम नेटी, तुम मिस्टर डेजेस से शादी कर लो, लेकिन जो मिस्टर डेजेस है ना, वो नेटी से शादी नहीं करता, बल्कि सिली से शादी कर लेता है। क्यों, क्योंकि सिली बहुत ही केयरिंग गर्ल है, ठीक है, उसे क्योंकि मिस्टर डेजेस की जो वाइफ, उसका डेथ हो चुका है, और मिस्टर डेजेस चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं उसका देखभाल करने वाला चाहिए, तो सिली सबसे बढ़िया है। अब जो जो सिली और मिस्टर डेजेस दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और फिर अपने घर पर रहने लगते हैं। तब जो नेटी है इनके यहाँ आकर रहने लगती है, क्योंकि उसको डर होता है क्योंकि उसके जो पापा है, पा है, वो उसका भी रेप ना कर दे। जब इसके यहाँ कुछ सप्ताह, कुछ महीने रहने के बाद नेटी को यह एहसास होता है कि जो मिस्टर डेज जैसे उसे फ्लर्ट कर रहा है, इसके साथ ये गलत कर सकता है, तो ये जो नेटी है ना वहां से भाग जाती है। कहाँ चली जाती है, अफ्रीका। अफ्रीका में वो मैड का काम, नौकरानी का काम करने लगती है। सैमुअल और कॉरिन के यहाँ जाकर के वो मैड नौकरानी का काम करने लगती है, जहां पर उसके 2 बच्चे होते हैं, ओलिविया और एडम। यही जो है ना, ओलिविया और एडम सिली के बच्चे हैं, ठीक है। और ये बात ना वहां जाने के बाद नेटी को पता चल जाता है। नेटी अपने सिस्टर को बोलकर क्या ही होती, जब अफ्रीका आती है तो मैं तुम्हें लेटर्स लिखती रहूंगी, तुम मुझे उसके रिप्लाई देती रहना, ठीक है। अब जो मिस्टर डेल जैसे उसके बच्चे हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा उसका बेटा है हार्पो। हार्पो सोफिया नाम की लड़की से शादी कर लेता है, लेकिन जो सोफिया है और हार्पो दोनों के आपस में नहीं बनती, वो कुछ भी काम घर का नहीं करती, इस वजह से दोनों में झगड़ा होते रहता है। तो जो सिली है और मिस्टर डेज डेस है, हार्पो को भड़काते रहते हैं, और इस कारण से रोज ही सोफिया को मार पड़ती है, ठीक है। जब कुछ दिनों बाद जो सिली है उसको एहसास होता है कि वो सोफिया के साथ गलत कर रही है, तब जाके सिली सोफिया से माफी मांगती है, तुम मुझे माफ कर दो, और दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन खास बात यह है, जो सिली है ना और सोफिया सिली की फैमिली में ज्यादा समय तक नहीं रहती, वो वहां से भाग जाती है, वहां से चली जाती है, ठीक है। अब अगला है शग। शग नाम की सिंगिंग गर्ल है, गायिका है। इसका कैरेक्टर बताया गया है कि जो शग है वो बहुत ही अच्छा सिंगर है। पहले एक ही टाउन में मिस्टर डेस डेस और शग रहते थे, दोनों का आपस में रिलेशनशिप था, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन किसी कारणवश से ये दोनों अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद मिस्टर डेस डेस ने किसी और से शादी कर ली। अब वापस से जो शग है इसी के टाउन में आई हुई है, और मिस्टर डेस डेस से उनका मुलाकात होता है, तो इस कारण से दोनों को आपस में रिलेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर से उनका प्यार, ठीक है, जाग जाता है, समझो। अब इस प्रकार से इन दोनों के जो है आपस में रिलेशन बढ़ने लगती है, दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, रातें बिताने लगते हैं। तो ये जो उनकी वाइफ है सिली,
सिली को सारी बातें पता होती है, लेकिन सिली जो है ना कुछ नहीं कहती है। तो एक दिन सग उससे मिलने के लिए जाती है और कहती है कि सिली तुम्हें तो सब कुछ पता है मेरे और मिस्टर डैस के बारे में। हाँ आ जाओ, मिस्टर डैस और मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कह सकते है ना, कुछ भी नहीं कहती हो। तो सिली कहती है मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, मेरी जो फीलिंग्स है लड़कियों की तरफ है। इसीलिए आज तक मैंने अपने खुशी के लिए मैंने कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ। इसलिए मैं अपनी खुशी के लिए कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई हूँ। किस तरह से उसके पिताजी ने उसे रेप किया, उसके उसके हस्बैंड उसको बहुत मारता पीटता था, वो बताती है अपनी फीलिंग्स को। इस प्रकार से शग है उसे बहुत ही अट्रैक्ट हो जाती है, और जो शेली है और शग है दोनों आपस जहाँ पर वो रहती थी वहाँ दोनों भग करके चले जाते हैं, मिस्टर डस्ट सारे रिश्ते तोड़ करके। ठीक है, अब वहां पर होता है क्या, जो शग है वापस अपना सिंगिंग स्टार्ट कर देती है, और जो सिली है वो भी क्या करने लगती है, वहां पर अपना नया बिजनेस शुरू कर लेती है। अब ये जो नेटी है, नेटी लगातार सालों से पत्र लिखती होती है, लेकिन जो मिस्टर डैश डैश है ना वो सिली को पत्र नहीं देते हैं। जब एक पत्र सिली को मिलता है जिसमें वो बताती है कि तुम सालों से मैं पत्र लिख रही हूँ, अभी तक तुमने एक भी रिप्लाई नहीं किया है, तब सिली को बहुत गुस्सा आता है अपने हस्बैंड पर कि अपने उसके हस्बैंड ने क्या किया उसके साथ, बहुत गलत किया। ठीक है ना, और उसे बताती है कि उसके जो दो बच्चे हैं कैसे वो उसकी देखभाल कर रही है, वहाँ नौकरानी की वो काम कर रही है। ठीक है, तब वो बहुत खुश हो जाती है। अब यह जो कॉरिन है ना, कॉरिन और जो सैमुअल है अफ्रीका में जहाँ पर नेटी आकर के काम करती है, ठीक है, तो यहाँ जो कॉरिन है वो अपने हस्बैंड पर शक करती है। वो कहती है मुझे लगता है कि सैमुअल और नेटी दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो ऑलिविया और एडम है ना, दोनों के फेस काफी हद तक नेटी जैसे हैं। ठीक है, तो इसको डाउट है, और ये अपने हस्बैंड और नेटी से कहती है कि तुम लोग बीच में कुछ चल रहा है। तो दोनों ही इसके जो डाउट्स उसे क्लियर करते हुए कहते हैं कि नहीं, ये नेटी के बच्चे नहीं हैं। दोनों इसके डाउट को क्लियर करते हैं और कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं ना, ये नेटी के नहीं बल्कि उसकी जो सिस्टर है, बड़ी सिस्टर सेली, उसके हैं। और किस तरह से उसके जो पिताजी, उसने रेप किया था, और ये बच्चे हैं, और उसके होते हुए उसके जो पिताजी हैं उन्होंने मुझे दे दिया था। तो यहाँ पर उसको क्लियर हो गया। ठीक है, तब तक तो इसके जो पिताजी है ना उनका भी डेथ हो चुका होता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब उनका डेथ हो चुका। ठीक है, अब आगे ये जो कॉरिन है उनका भी किसी बीमारी की वजह से उनका भी डेथ हो जाता है, और अंतिम में ये जो नेटी और सैमुअल है दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। और दोनों यह डिसाइड करते हैं क्यों ना ऑलिवियर एडम को बता दिया जाए कि उनकी असली मम्मी कौन है, सिली है। अभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाकर के बता देंगे सिली को, और वो जहाँ सिली जिस टाउन में रहती है वहां पर चली जाती है। जब वहां जाती है तब ओलिविया एडम से उसका मुलाकात होता है। ठीक है ना, और वहीं पर मिस्टर डैश डैश भी पहुंचता है, और वहां पर जाने के बाद वो जो मिस्टर डैश डैश है ना, मिस्टर मिसेस जो सिली है उसे माफी मांगती है। सॉरी, जब सिली के पास मिस्टर डैश डैश पहुंचता है तब वो बहुत ही पछतावा करता है, और वो माफी मांगता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो सिली, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो बहुत ही गलत था। ठीक है, अब इसके अंतिम में ये बताया गया है कि जो सिली की बीमार माँ थी उसके पास दोनों ही उनका डेथ हो चुका है, और अब इस सब कुछ एकदम फाइनल ठीक हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सिली के लाइफ में, सब कुछ हैप्पी है, और यही पर नॉवेल का एंड भी है। ठीक है, आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।